कोसीकला के अनाज मंडी प्रांगण में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर लोक दल के कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में माल्यार्पण किया। इस अवसर पर लोक दल के कार्यकर्ता उनके कार्यों का बखान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो किसानों के मसीहा थे, जो देश में कमजोर वर्ग के व्यक्ति थे उनके लिए मसीहा थे। इस संदर्भ में लोक दल के वरिष्ठ नेता चौधरी जगपाल ने बताया कि आज हमने चौधरी चरण सिंह जी का 116वां जन्म दिवस मनाया है और हम यही आशा करते हैं कि चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा पर आगे बढ़ते रहें। किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, यशस्वी, जिन्होंने सभी समाज को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को साथ लेकर के भारत सरकार के लिए और देश के लिए जो योजनाएं बनाई उनको पूरी दुनिया आज याद करती है। उनकी 116वीं जयंती के अवसर पर आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से और सभी वर्गों की तरफ से, किसान मजदूरों की तरफ से उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में मंडी समिति में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज माल्यार्पण किया गया है और हम चौधरी साहब को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी जो राजनेता हैं वो उनकी नीतियों पर चल करके किसान कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए काम करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। आज कोसीकला मंडी में 116वीं जयंती चौधरी चरण सिंह की मनाई जा रही है। सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण किया गया है। अगर किसानों की अगर बात कही जाती है तो सबसे पहले नाम इस देश के अंदर चौधरी चरण सिंह का आता है। अगर किसानों की रखवाली का काम किया था तो चौधरी चरण सिंह ने किया था, कि गरीब मजदूर जो भी वर्ग थे अगर उनका उत्थान का काम किया था तो चौधरी चरण सिंह ने किया था। वो एक किसान के बेटे थे, किसान के परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझते थे कि किसान को क्या क्या आपत्ति आती हैं, किसान को किस तरह से हल चलाया जाता था, वो भी उनको पूरी जानकारियाँ। आज पूरा देश उन शहीदों के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी आज जयंती मनाई जा रही है। ऐसे सपूत, ऐसे किसानों के मसीहा जन्मे, इस देश का तभी उद्धार हो सकता है।